हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन। और आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, ये टॉपिक नहीं है, ये आज सब लोगों की प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना इतना कार्डियो का इम्पोर्टेंस देते हैं लोग कि जिम में उनका आने का मकसद ही वो ट्रेडमिल पे चढ़ना और क्रॉस ट्रेनर पे चढ़ना होता है। अपन डिस्कस करते हैं आज इस बात को कि क्या ये सही है एक्सेस कार्डियो करना। एक बात समझते हैं कि कार्डियो करने से सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वो है आपका कॉर्टिसोल और आपका टेस्टोस्टेरोन। इन दो हॉर्मोन्स का सबसे मेन रोल है आपका एक्सेस कार्डियो करने पे। अपन इन्हीं पे सारी बात करते हैं और उसके बाद भी कुछ बातें करेंगे कि कार्डियो ज्यादा करने से और क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहली चीज, जब आप कार्डियो मोर देन आवर एवरी डे, मोर देन 45 मिनट्स, मोर देन 1 आवर करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, वो जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो हिट करता है आपकी बॉडी। और जब कॉर्टिसोल हार्मोन हाई होता है या रेज होता है, तो उस कंडीशन में आपका जो ब्लड में शुगर है यानी जो ग्लूकोज है, वो सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। होगा क्या, फैट गेन होगा लॉस होने की जगह। और दूसरी चीज, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी में सूजन रहेगी। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि बॉडी के अंदर सूजन रहती है, इन्फ्लेमेट रहती है बॉडी। वो इन्फ्लेमेशन का कारण क्या है, सबसे मेन कारण यही है, आपकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि आप हद से ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। और जब आप कार्डियो करते हो तो आप नोटिस करना, आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है। जब आपको भूख ज्यादा लगेगी तो यू विल ईट मोर। अब हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा कार्डियो करके कैलोरीज बर्न तो कर रहे हो, बट फैट लॉस नहीं हो रहा, ऊपर से खा आप ज्यादा रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी के जो हंगर हॉर्मोन्स होते हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। तो ये दो डिसएडवांटेज। उसके बाद जब टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल हाई है तो टेस्ट डाउन होगा, तो वहां पर आपके मसल लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये लोग समझ नहीं पाते कि जो वेट ड्रॉप हो भी रहा है थोड़ा बहुत कार्डियो से, वो मसल का भी तो है। और वहां क्या प्रॉब्लम होगी एक्सेस कार्डियो करने से, कि जब आपकी बॉडी के अंदर मसल्स कम होंगे तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए इतनी कैलोरीज नहीं लगेंगी। ध्यान रखना, जो एक बॉडी बिल्डर होते हैं वो ज्यादा कार्डियो नहीं करते। उसका रीजन ये है कि बॉडी बहुत भारी होती है, वो लोग भाग नहीं सकते बहुत तेज। जब वो लोग तेज भाग नहीं सकते, क्योंकि उनका बॉडी का जो मसल मास का जो वेट होता है वो ज्यादा होता है। बॉडी को उस मसल मास जो वेट उनका बॉडी में मसल का वेट है, उसी को मेंटेन करने के लिए कैलोरीज लग जाती है, उनका वैसे ही फैट लॉस होता है। यानी कि अगर आप मसल बिल्डिंग करते हो तो आपको कार्डियो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी, आपका बॉडी उस मसल को मेंटेन करने के लिए कैलोरीज लगाएगा, एक्सेस कैलोरी बर्न होंगी आपकी उस मसल को मेंटेन करने के लिए। सो तो सबसे बेस्ट वे है, अगर मेरी पर्सनल एडवाइस है आप लोगों को, जो सबसे बेस्ट वे है फैट लॉस करने का, वो कार्डियो नहीं, वो डाइट है। और डाइट के बाद अगर कुछ करना चाहते हो तो मसल बिल्ड करो। जब मसल बिल्ड करोगे, आपका फैट लॉस अपने आप होगा, मेटाबॉलिज्म हाई होगा, अच्छे तरीके से आप अपने जो बॉडी के अंदर जो लुक्स हैं वो अचीव कर पाओगे। कार्डियो करने से कोई इंसान मस्कुलर नहीं बन सकता, या कार्डियो करने से कोई इंसान अच्छा नहीं दिख सकता। कुछ किलो अगर आपने वेट कम भी कर लिया तो वापस गेन हो जाएगा, लेकिन अगर आप मसल बिल्ड करते हो तो वो थ्रू आउट द टाइम उस मसल को मेंटेन करने के लिए बॉडी कैलोरीज लगाती रहती है और फैट बर्न होता रहेगा। सो अगर आप 10 से 15 मिनट कार्डियो डेली करते हैं सो के, और सारा टाइम 40 मिनट्स आप स्ट्रेंथ को दें। लेकिन अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है कि आप कार्डियो करिए, 1 घंटा 1.5 घंटा कार्डियो करें एवरी डे, सो बॉस कहीं ना कहीं आपको डायबिटीज के, मल्टी ज्वाइंट्स के ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो उसको अभी रोको। सही से जो फिटनेस, जो साइंस, जो साइंस है बिहाइंड द फिटनेस, उस पीसेस किस पे ध्यान दो आप। और अगर आपको करनी है एक्टिविटीज, तो एक जैसा कार्डियो नहीं करना है कि रोज आपको 1.5 घंटा ट्रेडमिल पे करना है। बहुत सी चीज़ें होती है, कार्डियो का मतलब ट्रेडमिल क्रॉस ट्रेनर नहीं होते, कार्डियो का मतलब ऐसा होता है जिसमें आप अपना जो पल्स रेट है उसको थोड़ा सा हाई कर रहे हैं, जिसके अंदर आप बहुत सी एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्रॉसफिट कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, चेंज करते रहिए, अदरवाइज प्लेटो हिट करेगा। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई है इससे पहले, वेट लॉस प्रोसेस प्लेटो क्या होता है वो आप देख सकते हो। तो ये वीडियो थी कार्डियो की, ज़्यादा नहीं करना है। ट्राई करो, जो वक्त आप अपने जिम में 1 घंटा प्रीशियस टाइम जो अपना अपने बिजनेस से, अपने स्कूल से, कॉलेज से निकाल के आप दे रहे हो, उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लगाओ, ना कि कार्डियो में।